सो अभी रामेछाप से सीधा लूकला में लैंड कर चुका हूँ इस हेलीकॉप्टर की मदद से जो आप पीछे देख रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे वेदर के साथ, तो फ्लाइट्स कोई उड़ नहीं रही, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमें लास्ट ऑप्शन लेना पड़ा जो कि हेलीकॉप्टर है। बट होप सेफली यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। वेदर लेकिन अभी बहुत ख़राब है, तो अभी यहाँ से ज़्यादा आगे तो निकल नहीं पाएंगे। आज ऐसे प्लान था मौंजो तक जाने का जो यहाँ से 13 किलोमीटर है, लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं होपफुली 3-4 किलोमीटर आगे जा पाऊँगा अगर वेदर सही रहे तो होपफुली। बाकी मिलते हैं आगे रास्ते में। लुकला से आगे रास्ते में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मेरा दोस्त काफी शोर मचा रहा है, ये आप देख सकते हो। काफी गुस्सा है मुझसे, वेदर देख के भी खुश नहीं है, क्या करें, ऐसे ही माउंटेन का वेदर है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, होपफुली अच्छा रहे वेदर। और ये लुकला की फेमस मार्केट देख सकते हो, क्या मजा आ रहा है। काफ़ी सारे शॉपिंग ऑप्शन हैं यहाँ पे, अगर आप काठमांडू से या जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पे सामान लेना भूल गए हो तो यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, ट्रैकिंग गियर से लेके सब कुछ। तो धीरे धीरे चल रहा हूँ आगे, और यहाँ पे अगर आप वेदर की वजह से स्ट्रक भी हो जाते हो तो आपके लिए यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं, पब्स भी हैं। तो एक गांव समझने की भूल मत करना, दिस इज़ लाइक लाइव सिटी वेयर यू कैन एक्चुअली इन्जॉय बोथ द माउंटेन लाइफ एंड द पार्टी वाइब एज वेल। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? कहाँ रहते हो आप? हाथ मिलाओ, हेलो हेलो, गुड बॉय। घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है? उधर। और ये भाई है आपका? हाँ, ये जो भाग रहा मुर्गी के पीछे। अरे 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 अरे। आजा इधर, आजा इधर 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 इधर। हेलो करो, हेलो, अपने अपने नाम बताओ। नाम क्या आपका? नाम नाम हाँ, आपका नाम क्या है? नाम हाँ भूल गए। आपका नाम क्या है? इंजा, गुड बॉय। हेलो कर दो। अरे क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, लड़ना नहीं, अरे लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। नहीं 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 नहीं, मानना नहीं। तो लुकला से थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे ये जगह देख रहे हो आप, यहाँ से आपको परमिट मिलेगा आगे एवरेस्ट बेस कैंप के लिए, और इनफैक्ट पूरे रीजन के लिए, आप जहाँ भी ट्रैक करना चाहते हो, बीट एवरेस्ट और गोकियो। तो यहाँ से आपको, अगर आप सार कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको 2000 नेपाली रुपीज़ में यहाँ से एक परमिट मिलेगा।
एंड जो नेक्स्ट परमिट आपका है वो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर मोंजो करके एक जगह है वहाँ पे मिलेगा, जिसका प्राइस होगा अराउंड 1500 नेपाली रुपीज़, तो 3500 रुपीज़ में आपका पूरा का पूरा परमिट बन के तैयार हो जाएगा। यू डू नॉट नीड अ गाइड हेयर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप गाइड लेके चलो अपनी सेफ्टी के लिए। बट यहाँ पे गाइड, ये ही एक लौता नेपाल का रीजन है जहाँ पे गाइड मैंडेटरी अभी नहीं है। तो इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ मैं, ये याक भी देख सकते हो साथ साथ जा रहे हैं, माउंटेन के असली हीरो तो यही है, देख सकते हो आप 100 किलो वेट उठा के चल रहे हैं। तो चलते हैं इनके साथ ही हम आगे। मज़ा आ रहा है रास्ते में। इस समय एक बहुत ही बढ़िया ब्रिज में हूँ मैं, ये आप देख सकते हो पीछे क्या ज़बरदस्त ब्रिज है। ऐसे बहुत सारे ब्रिज आपको नेपाल में और ख़ासकर कि इस एवरेस्ट रीजन वाले रूट में मिलेंगे जो कि बहुत ऊंचाई पे बना रखे हैं, और ये यहाँ से आप नीचे देखोगे तो बिल्कुल एकदम गहरा देख सकते हो, बड़े ज़बरदस्त ये क्रिएशन है जिसने भी ये ब्रिजेस बनाए हैं, काफ़ी सारे मिलेंगे इस रूट में। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स व्हेन आई एम इन नेपाल, दीज ब्यूटीफुल ब्रिजेस। ओ हो हो हो, तो लूकला से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं, और यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर और आगे जाऊँगा तो फागडिंग करके जगह है वो आएगी, और वहाँ पे आज रुकने वाला हूँ मैं। ऐसे काफ़ी अंधेरा होने वाला है इस टाइम पे, पर आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच गया तो इट इज़ गुड फॉर मी। बाकी वेदर अभी तक खुला नहीं है, आप पीछे देख सकते हो बिल्कुल पैक्ड है वेदर, तो कल सुबह थोड़ा क्लियर मिलेगा तो जल्दी निकलूँगा, कल आगे नामचे बाज़ार की तरफ जाऊंगा जो कि लगभग 10-12 किलोमीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से पागडिंग से, या थोड़ा ज़्यादा होगा बट ठीक डिस्टेंस है कल के लिए, कंसीडरिंग आज मैं रेस्ट कर लूँगा अच्छा खासा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। सो इस समय मैं फागडिंग में हूँ और सुबह के लगभग
6:30 बज चुके हैं और आज मुझे निकलना है थामे के लिए। तो यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक है और मैं आराम आराम से चला तो लगभग 7 घंटे या 8 घंटे मुझे लगने वाले हैं। और आज की प्रेडिक्शन है कि 2 बजे के आसपास यहाँ पे पूरे एरिया में बारिश हो सकती है, प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है बारिश की। सो मैं कोशिश करूँगा 2 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचने की। यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर आगे मंजो पड़ता है, वहाँ से मुझे अपनी सेकेंड और फाइनल परमिशन मिलेगी जिसके थ्रू मैं पूरा यहाँ पर ट्रैक कर सकता हूँ इस रीजन में। और वेदर अभी ठीक है, हल्के हल्के बादल यहाँ पर हो चुके हैं लेकिन आगे बारिश की प्रेडिक्शन है तो उसके हिसाब से टाइम पे चलने की कोशिश करूँगा। बाकी ये जो पीछे आप गेस्ट हाउस देख रहे हो ये है 4 सीज़न लॉज एंड गेस्ट हाउस, यहाँ पे मैं रात को रुका था और भैया काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे, उन्होंने बढ़िया बढ़िया खाना बना कर दिया और उनके रूम्स काफ़ी अच्छे थे। तो मच नीडेड स्लीप कल रात को मुझे मिली और उसके हिसाब से ही आज फिर उतना ज़्यादा चलना भी है। तो आज नामचे बाज़ार होते हुए हम नामचे बाज़ार से हमें लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा, वहाँ से हमें थामे के लिए जाएंगे क्योंकि मैं जो ये ट्रैक कर रहा हूँ यूजुअली लोग नामचे बाज़ार से राइट लेके दूसरी साइड से ट्रैक करके लेफ़्ट से ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं लेफ़्ट से शुरू करके राइट से ख़त्म कर रहा हूँ। बेसिकली कोक्यो लेक वाला ट्रैक मैं पहले कर रहा हूँ और उसके बाद मैं एवरेस्ट की तरफ मुड़ूँगा। सो होपफुली सब सही रहेगा, फिंगर्स क्रॉस्ड। वेदर की मैं कोई प्रेडिक्शन खुद नहीं कर सकता, वेदर कभी भी बदल सकता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं आगे। हेलो दोस्त, क्या हाल है, कहाँ घूम रहा है? इधर देखो इधर। तो एक और ब्रिज आ चुका है, मेरा फेवरेट ब्रिज। सुबह सुबह मस्त हवा, नदी का शोर और ये ब्यूटीफुल ब्रिज देख सकते हो आप पीछे भी और इधर भी और ये नीचे नदी। यहाँ पर भी देख सकते हो, मज़ा आ रहा है बहुत। ये ब्रिज देखो नीचे कितना गहरा है, यहाँ से आप देख सकते हो नीचे। ये काफ़ी झूला झूल होता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा झूलता है एक बंदा चलने लग जाए इसमें तो। सो नामचे की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, रूट आप देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी यहाँ से असेंट शुरू हो गई है, मज़ा आ रहा है। वेदर अभी थोड़ा सन आना शुरू हुआ है, आप देख सकते हो।
ढाई घंटे ट्रैक करने के बाद मैं मंजो पहुंच गया हूं। यहां से मुझे सेकंड और फाइनल परमिट अपना मिलेगा ईबीसी ट्रैक का, और काफ़ी खाली सा गांव है ये। अभी मेरे ख्याल से एवरेस्ट का सीज़न एंड भी हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्राउड धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद दो ढाई हफ्ते बाद पूरा यहाँ पे एक्सपेडिशन सीज़न वाइंड अप भी हो जाएगा, लोग सारे नीचे आ जाएंगे, बट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाली हो चुका है सब कुछ, जो कि अच्छा भी है मेरे लिए। मुझे ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे मुझे एज़ फार एज़ स्टेइंग इज़ कंसर्न, तो अच्छी बात है। वेदर भी ठीक ठाक ही है। अभी क्लाउड्स हो रहे हैं, माउंटेन के व्यू शायद नहीं मिलेंगे कुछ दिन तक। होपफुली सेकेंड हाफ ऑफ माई ट्रिप आई विल गेट टू सी क्लियर व्यूज ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड अदर 8000 मीटर पीक्स। तो अभी जाके मैं लेता हूँ अपना सेकेंड परमिट। नाम बताओ आपने, क्या नाम है आपका? अर्पिन है और मैं ईशान। ओके, कहाँ रहते हो आप? हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल कहाँ है आपका? यहाँ पर। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? तो मंजो से मैंने परमिट ले लिया अभी, जो कि मुझे 1500 नेपाली रुपीस का पड़ा। तो टोटल जो हमारे परमिट हो गए वो 1-2000 नेपाली रुपीस, जो आपको नाम लुकला से मिलता है, और दूसरा 1500 नेपाली रुपीस जो कि मंजो से मिलता है। टोटल 3500 नेपाली रुपीस के परमिट से आप पूरा का पूरा ट्रैक कर सकते हो एवरेस्ट के अराउंड कोई भी, जो कि 3500 नेपाली रुपीस रफली अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 2300 या 2400 इंडियन रुपीस होगा मेरे हिसाब से। तो परमिट सारे क्लोज, अब इट्स ओनली अबाउट ट्रैकिंग। तो चलते हैं आगे की तरफ। आज नाम से रुकने वाला हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि राइट साइड से मैं ट्रैक करने वाला हूँ इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड। थामे की जगह मैं नामचे जाऊँगा, नामचे से पहले मैं राइट हैंड साइड जाके पेंगबोचे की तरफ निकलूँगा, क्योंकि इस वीक थोड़ा वेदर ख़राब बता रहे हैं, तो अगर मैं गोक्यो इसी वीक चला गया तो शायद मुझे गोक्यो से वो व्यू ना मिले जो कि मैं देखना चाहता हूँ माउंट एवरेस्ट के, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला ट्रैक मैं 2 साल पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकता हूँ थोड़ा व्यू उसके लिए, लेकिन गोक्यो आई कैन नॉट मिस। सो होपफुली राइट हैंड साइड से जाते हुए लेफ्ट से मैं ख़त्म करूँगा और छोला पास करते हुए हम गोक्यो निकलेंगे। तो यही कहानी है। यहाँ पे जो चेक पोस्ट थी जहाँ पे हमें अभी अपनी वो मिली है, क्या नाम है, परमिशन, तो वहाँ पे ये लोग चेकिंग भी करते हैं कि कोई ड्रोन तो लेके नहीं जा रहा। पीछे देख सकते हो इस टाइम काफ़ी सुंदर ब्रिज में हूँ। तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ड्रोन की यहाँ पे चेकिंग होती है आपके मंजों में, लेकिन जिस हिसाब से वो चेकिंग होती है मुझे लगता है कि कोई भी अपना ड्रोन आसानी से यहाँ पे ट्रेसपास कर सकता है, तो चेकिंग शायद थोड़ी और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो, इंस्टेड ऑफ कि ऊपर से देखना। बट ठीक है, मैं तो वैसे भी ड्रोन कैरी करना ही रहा था तो टेंशन की बात नहीं थी। चलते हैं आगे नामचे की तरफ। ये जो पीछे ब्रिज देख रहे हो आप, यहाँ से उतरने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल रूट पे भी बाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बाउंसी वो ब्रिजेस होते हैं कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स थोड़ी देर तक रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ तो वो भी बाउंस कर रही हैं, तो ऐसी कहानी होती है इधर। तो इधर नामचे के रास्ते में बैठा हूँ मैं अभी, यहाँ पे एवरेस्ट व्यू पॉइंट करके एक जगह है, यहाँ से एवरेस्ट का बहुत ही अच्छा व्यू आता है, लेकिन आज मौसम देख रहा हूँ बिल्कुल ख़राब हो रखा है, बारिश हो रही है ज़बरदस्त। ये बैग पड़ा अपना और
ये आगे जो देख रहे हो ये रास्ता है आगे नामचे जाने के लिए। यहाँ से मेरे ख्याल से एक डेढ़ घंटा और होगा नामचे, धीरे धीरे करके पहुँचूँगा। लेकिन मौसम बिल्कुल ख़राब है, अगले एक दो दिन तक भी शायद ऐसे ही रहने वाला है, बाकी देखते हैं। आज नामचे में स्टे होगा, कल निकलूँगा मैं पेंगबोचे के लिए। बाय बाय। तो इस समय शाम के लगभग नहीं, इनफैक्ट दोपहर के 2 बज रहे हैं, मुझे मौसम देख के शाम लग रही थी, बट दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं नामचे बाज़ार पहुँच गया। आपको पीछे दिखाता हूँ, ये है आपका नामचे बाज़ार, दिस इज़ गेटवे टू माउंट एवरेस्ट। बहुत ही यहाँ की फेमस जगह है ये, इनफैक्ट अगर इस पूरे रूट की कहा जाए तो सबसे हैपनिंग जगह इसी को कहते हैं। आपको सामने दिखाता हूँ, ये देखो, और आप वेदर भी देख सकते हो, पूरा पैक हो रखा था, अभी थोड़ा थोड़ा खुला है बट स्टिल क्लाउड्स आर एयर। तो देख सकते हो आप, ये यहाँ का द्वार, यहाँ पे लेंगे हम एंट्री। बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे आर्ट गैलरी देख सकते हो आप, कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स बना रखी है। ये जो माउंटेन देख रहे हो आप, यामा दबलाम है, जो रास्ते में दिखती है, बिल्कुल हूबहू यहाँ पे पेंटिंग बना रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे एवरेस्ट की भी आप पेंटिंग देख सकते हो। ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है, ये सेम व्यू काला पत्थर के समिट से आता है, ये एवरेस्ट का, ये जो है आपकी ये एवरेस्ट है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग्स यहाँ पे, ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त। ये है नामचे बाज़ार की आर्ट गैलरी, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पेंटिंग्स हैं, आप देख सकते हो। एवरेस्ट रीजन की हर एक पीक और हर एक रूट की बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग यहाँ पे आप ले सकते हो, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे आप टी शर्ट्स और हुडीज़ भी देख सकते हो, पूरे एवरेस्ट और यहाँ के माउंटेन के थीम्स पे हैं। कैप्स भी देख सकते हो। तो नामचे को एक विलेज मत समझना, ये एक तरीके से सिटी ही है जो माउंटेन पे है। यहाँ पे लगभग सबको आज में कहूँ मैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा जो भी आपको माउंटेन रिलेटेड गियर चाहिए। यहाँ पे आप सोवनियर्स भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड क्राफ्टेड। ये याक बुल की कैप्स भी यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त।